लोगों ने जो लास्ट पढ़ा था बिजनेस कम्युनिकेशन में, हम लोगों ने पढ़ा था एक तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, दूसरा हमने कुछ एक डेफिनेशंस पढ़ी थी बिजनेस कम्युनिकेशन की, और तीसरा इम्पोर्टेंटली हम लोगों ने कुछ फीचर्स पढ़े थे। फीचर्स में एक बार हम लोग प्रिसाइजली पढ़ लेते हैं, वर्ड टू वर्ड पॉइंट टू पॉइंट नहीं जा रहे हैं। फीचर्स में जो आप लोगों ने पढ़ा था, एक था टू वे प्रोसेस होता है, एक आपने पढ़ा था कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, डायनामिक प्रोसेस भी है, वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल भी होता है। हम लोगों ने ऐसे कुछ फीचर्स पढ़े थे बिजनेस कम्युनिकेशन के। अब हम लोग जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फीचर्स के बाद का अगला टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब हो ये रहा है कि अगर सपोज हम बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि कम्युनिकेशन की, बिजनेस कम्युनिकेशन की आखिर जरूरत पड़ी ही क्यों, क्यों हमें बिजनेस कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो चीजें हमें यहां इम्पोर्टेंस में समझाई गई है। अब हुआ क्या है, जैसे जैसे बिजनेस का पैटर्न बदलता जा रहा है, जैसे जैसे ग्रोथ आती है कंपनी में, तो कंपनी का ना साइज धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। पहले छोटी सी कंपनी थी, 10 वर्कर्स हुआ करते थे, 10 वर्कर्स के साथ में जब हम लोग काम करते थे तो एक मैनेजर काफी हो जाता था, वो 10 लोगों को संभाल लेता था। अब कंपनी में ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है गुड्स की, तो वर्कर्स के नंबर्स भी बढ़ाए गए। अब 10 की बजाय 100 वर्कर्स काम करते हैं, तो 100 वर्कर्स को एक अकेला मैनेजर तो संभाल नहीं सकता। तो अब हुआ ये होगा कि कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर रखे गए होंगे, डिप्यूटी मैनेजर्स रखे गए होंगे, कई तरह के लोग और आए हैं जो कि इस बिजनेस में हेल्प करेंगे। जितने ज्यादा लोग बढ़ते चले जा रहे हैं उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस आ रहा है कम्युनिकेशन का, क्योंकि लोग बढ़ेंगे तो आपस में बातचीत का लेवल भी अब उतने ही बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले कम्युनिकेशन कौन कौन करता था, तो पहले ये था कि एक मैनेजर और मैनेजर के कंट्रोल में 10 वर्कर्स, डायरेक्ट कम्युनिकेशंस हुआ करते थे इन लोगों के बीच में। बट अब नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गए हैं, तो अब हुआ यह है कि एक तो है मैनेजर, फिर उसके अलावा 2 है असिस्टेंट मैनेजर, फिर एक एक असिस्टेंट मैनेजर के कंट्रोल में 50-50 वर्कर्स रखे गए हैं। तो पहले वर्कर्स का डायरेक्ट कम्युनिकेशन था क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा था, अब यहां मैनेजर भी है, असिस्टेंट भी है और फिर वर्कर्स आ रहे हैं। इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा तो यहां तो कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस और बढ़ेगा। डायरेक्ट में वर्कर्स को मैनेजर ने कहा, मैनेजर ने जैसा कहा वर्कर्स ने किया, अब मैनेजर असिस्टेंट को बोलेगा, असिस्टेंट वर्कर को बोलेगा, विच मीन्स कि यहां पर कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। बिना कम्युनिकेशन के और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव मतलब जैसा कहा गया है वैसा ही काम किया गया है। दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन कब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा हो, बढ़ते हुए ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। क्यों कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस है का दूसरा पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। अब होता क्या है कि पहले छोटा बिजनेस हुआ करता था तो एक अकेला व्यक्ति प्रोडक्शन का काम भी संभाल लेता था, वही सेल्स भी कर लेता था, वही अकाउंट्स भी मैनेज कर लेता था। बिजनेस बढ़ रहा है तो एक एक काम का बर्डन भी बढ़ रहा है, तो अब कंपनी ने ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। एक बना दिया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक बना दिया है सेल्स डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। ये बात आप लोग मैनेजमेंट में भी पढ़ चुके होंगे शायद स्कूल्स में। मैनेजमेंट का एक रूल है कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी फंक्शन अकेले अकेले काम नहीं कर सकता, ये दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन करेंगे तभी तो सेल्स वाले जाकर के गुड्स को बेचेंगे, सेल्स वाले बताएंगे डिमांड कितनी है तभी तो प्रोडक्शन वाले गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे। बिकॉज दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और क्योंकि अब कंपनी में हर काम स्पेशलाइज तरीके से हो रहा है, हर काम के लिए हमने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना रखा है,
तो बहुत जरूरी है कि अब इन दोनों के बीच में होना चाहिए प्रॉपर कम्युनिकेशन। ये जब तक पूछेगा नहीं कि कितना मैन्युफैक्चर करो, जब तक सेल्स वाले इसको बताएंगे नहीं कितना मैन्युफैक्चर करो, क्योंकि डिमांड सेल्स वालों को पता है, वो बताएंगे तब ये प्रोडक्शन करेगा। ये प्रोडक्शन करेगा तो ये जब तक जाकर बताएगा नहीं कि प्रोडक्शन हो चुका है, तब तक वो लोग गुड्स बेचना शुरू भी नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स एंड सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन, दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। तो जब इतनी ही डिपेंडेंसी है और स्पेशलाइजेशन है तो बात तो करनी पड़ेगी, बिना कम्युनिकेशन के बिजनेस पॉसिबल नहीं है। तीसरा कारण क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन, तो इन्होंने बताया है मार्केट में कंपटीशन बहुत है, एक ही प्रोडक्ट के आपको कई सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो जाते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि हम अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करें कंज्यूमर्स के सामने, ताकि लोग सब्स्टिट्यूट के पास नहीं बल्कि हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आए। कंज्यूमर्स को हमें कन्विंस करना पड़ेगा, हमको उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, और बताने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें करना पड़ेगा कंज्यूमर्स के साथ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कॉम्पिटिशन को कम करता है। जब हम अपने कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट के फायदे बताते हैं तो हमने कम्युनिकेट किया, और कम्युनिकेट किया इसका मतलब हमारे सब्स्टिट्यूट के पास ना जाकर कंज्यूमर्स अब हमारे पास आते हैं, विच मीन्स कि कम्युनिकेशन कॉम्पिटिशन को भी कम करने में मदद करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एक ये प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल है। आप लोगों ने टीवी पर कई सारे एड्स देखे होंगे, एड में ना ये हेल्थ ड्रिंक के बहुत सारे एड्स आते हैं। हेल्थ ड्रिंक ये जो दूध में मिलाकर के पीने के लिए बच्चों को दिया जाता है, चॉकलेट फ्लेवर के हेल्थ ड्रिंक्स, उनमें ना सबसे पहले जो हेल्थ ड्रिंक इंडिया में आया था वो था बोर्नविटा। बोर्नविटा अभी भी बहुत सारे लोग पीते होंगे। बोर्नविटा जब आया ना मार्केट में, तो वहां पर बोर्नविटा वालों ने अपना एडवर्टीजमेंट किया था सिर्फ इतना कहकर कि इसमें चॉकलेट फ्लेवर है तो बच्चे दूध पी लेते हैं, इसी बहाने से दूध पी लेंगे बच्चे, ये कहकर उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया था। कुछ सालों तक ये प्रोडक्ट इसी कम्युनिकेशन पर बिकता रहा। फिर मार्केट में आया कॉम्प्लान, तो कॉम्प्लान वालों ने आकर के सबसे पहले एक स्लोगन दे दिया, एक पर्पस दे दिया कॉम्प्लान खरीदने का। कॉम्प्लान का स्लोगन था कि ये कॉम्प्लान पिलाने से बच्चों की हाइट बढ़ती है। बोर्नविटा में ऐसी कोई बातें बताई नहीं गई थी। कॉम्प्लान वालों ने कहा चॉकलेट फ्लेवर भी है और हाइट भी बढ़ती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब सारी मम्मियां अपने बच्चों के लिए लेने पहुंच गई कॉम्प्लान, क्योंकि उसमें सिर्फ चॉकलेट है, इसमें चॉकलेट भी है और हाइट भी बढ़ेगी। बोर्नविटा ने तुरंत अपने एडवर्टीजमेंट्स चेंज किए, उन्होंने कहा बोर्नविटा पिलाने से टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर बनेंगे। उन्होंने दो फायदे बता दिए, एक टॉलर और एक स्ट्रॉन्गर। कम्युनिकेशन की वजह से फिर कंज्यूमर्स डाइवर्ट होकर आ जाते हैं बोर्नविटा के पास, क्योंकि कॉम्प्लान सिर्फ टॉलर कर रहा था और बोर्नविटा कर रहा था टॉलर भी और स्ट्रॉन्गर भी, तो हॉर्लिक्स कहां पीछे रहने वाला था। उन्होंने अपना स्लोगन अलग ही निकाला था, उन्होंने कहा था हॉर्लिक्स पीने से टॉलर स्ट्रॉन्गर और शार्पर बनेंगे, मतलब बोर्नविटा जो दे रहा है वो तो हम भी दे रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से हॉर्लिक्स की वजह से शार्पर भी होंगे, दिमाग भी अच्छा चलेगा। यहां देखो अगर हम इस कम्युनिकेशन को गौर से देखें तो यहां तीन प्रोडक्ट्स आए और तीनों ने अपने अपने फीचर्स कम्युनिकेट करे, और इसकी वजह से कंपटीशन पे असर पड़ा। कॉम्प्लान से लोग शिफ्ट हुए टुवर्ड्स बोर्नविटा, बोर्नविटा से लोग शिफ्ट हुए टुवर्ड्स हॉर्लिक्स, सिर्फ इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। दैट मीन्स अगर कॉम्पिटिशन में रहना है तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में कम्युनिकेट करना तो पड़ेगा, विच मीन्स कम्युनिकेशन का एक और फायदा है, कॉम्पिटिशन को वो कम करता है। तीन फायदे पड़ चुके हैं, पहले इन तीनों को हम रिवाइज कर लेते हैं, एक फटाफट से रिकैप ले लो। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो पहला फायदा कौन सा है, इंक्रीज इन साइज। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती चली जाएगी कम्युनिकेशन उतना ही जरूरी होगा। दूसरा इम्पोर्टेंस है क्योंकि अब सारे काम स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं
और सारे डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, तो बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, बिना उसके काम पॉसिबल नहीं। तीसरा फायदा है, कम्युनिकेशन करने से कंपटीशन कम होता है। हम अपनी बातें पब्लिक के सामने रखेंगे, कंज्यूमर्स के सामने रखेंगे, तो लोग अपने आप आएंगे प्रोडक्ट खरीदने, सब्स्टिट्यूट के पास नहीं जाएंगे, कंपटीशन कम होगा। चौथा फायदा, ट्रेड यूनियन मूवमेंट। होता यह है कि कंपनी में जब वर्कर्स काम करने आते हैं तो कई बार उनका यूनियन भी बनता है। यूनियन का मतलब हम सब जानते हैं, यूनियन का मतलब होता है एक पूरा का पूरा ग्रुप वर्कर्स का बन जाता है, जो लोग एक साथ एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। ये यूनियन जितना स्ट्रांग होता है ना, टॉप मैनेजमेंट को वो डोमिनेट भी उतना स्ट्रांगली कर सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि टॉप मैनेजमेंट का और वर्कर्स के बीच में अच्छा रिलेशन रहे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कम्युनिकेट करना। मैनेजमेंट आकर के वर्कर्स को सारी बातें बताए, वर्कर्स की हर शिकायत को सुने, सुनने के बाद में उसको सॉल्व करो, तो वर्कर्स कभी रेजिस्ट नहीं करते, वो कभी शिकायत नहीं करते, कभी कुछ तोड़फोड़ नहीं करते। लेकिन ये सिर्फ तब हो सकता है जब इन दोनों के बीच में, टॉप मैनेजमेंट के वर्कर्स के बीच में चलता रहे कम्युनिकेशन, विच मीन्स कि ट्रेड यूनियंस के मूवमेंट के को जज करने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट है, क्यों, क्या फायदा है हमें बातचीत करने से? तो इससे ह्यूमन रिलेशंस इंप्रूव होते हैं। ह्यूमन रिलेशंस का मतलब, कंपनी में जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, और ह्यूमन नेचर होता है हम अकेले रह ही नहीं सकते हैं। हमें कोई ना कोई तो कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, जिससे हम लोग आपस में बात कर सके, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आओ तो हमें लगे कि हम किसी फैमिलियर जगह पर है। कम्युनिकेशन इसी ह्यूमन रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में मदद करता है। दो वर्कर्स आपस में अगर एक दूसरे के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं तो उनका ह्यूमन रिलेशन अच्छा है। एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, सोशल सेटिस्फैक्शन, कि कंपनी में कोई तो है जिसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं, विच मीन्स कम्युनिकेशन सेटिस्फैक्शन देता है, ह्यूमन रिलेशंस को इम्प्रूव करता है, और यही सेटिस्फैक्शन वर्कर के काम में फिर दिखने लगता है। दैट मीन्स कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिलेशन को अगर इम्प्रूव करना है। ह्यूमन रिलेशंस कम्युनिकेशन से इम्प्रूव होते हैं, ये बात तो हम लोग अभी अभी समझ चुके। अगले पॉइंट पे इन्होंने बताया है पब्लिक रिलेशंस इम्प्रूव होना। अगर हम किसी से प्रॉपरली कम्युनिकेट करें, किसी से भी मतलब एक दो लोगों से नहीं, पब्लिक एट लार्ज से, तो उससे भी प्रॉपर कम्युनिकेट करने से भी पब्लिक रिलेशंस इम्प्रूव होते हैं। ये बात अभी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में कोरोना के चलते मोदी जी ने प्रूव करके बता दी है। प्रॉपर कम्युनिकेशन से पब्लिक रिलेशंस इम्प्रूव होते हैं, ये बात प्रूव करने के लिए वो बार बार टीवी पर आते हैं, टीवी पर आकर के लोगों को कुछ मैसेज देते हैं। मैसेज कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, कुछ इस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है कि लोग उनको फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पब्लिक रिलेशंस इम्प्रूव हो रहे हैं। पब्लिक रिलेशंस इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सीधी सी बात है, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेट करेंगे तो पब्लिक से कम्युनिकेट करते समय आप डोर टू डोर नहीं जा सकते, पर्सन टू पर्सन नहीं जा सकते, तो उसके लिए आप मास मीडिया यूज करो, टेलीविजन पर आना, न्यूज़पेपर पर आना, ये भी कम्युनिकेशन के तरीके हैं, और उससे इम्प्रूव होते हैं पब्लिक रिलेशंस। तो इम्पोर्टेंस में अभी तक यहां हम लोग सिक्स पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। सेवेंथ पॉइंट कहता है कि कम्युनिकेट जो व्यक्ति सही तरीके से करता है, वो व्यक्ति बन जाता है कंपनी के लिए पर्सनल असेट। कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर 50 वर्कर्स के साथ में डील कर रहा है, 50 वर्कर्स को समझाना, उनसे काम करवाना इतना आसान नहीं होता। और अगर ये वर्कर्स इस असिस्टेंट मैनेजर की हर बात को मानने को तैयार हैं, हर बात पर सही काम करने को तैयार है, तो मानकर चलो कि कंपनी के लिए ये असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है कंपनी की पर्सनल असेट। कंपनी किसी हालत में इस असिस्टेंट मैनेजर को नहीं छोड़ सकती,
क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो 50 लोगों से काम करवाने की हिम्मत रखता है, क्योंकि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, ये कहता है लोग मान लेते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति को कंपनी कभी अपने यहाँ से जाने नहीं दे सकती है। दैट मीन्स एक अच्छा कम्युनिकेटर बन जाता है कंपनी की पर्सनल असेट। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस के ये जो 7 पॉइंट्स हैं, ये 7 पॉइंट्स अलग हैं, और जो कल हम लोगों ने पढ़े थे फीचर्स, तो फीचर्स के अलग पॉइंट्स पढ़े थे कल हम लोगों ने। आपको ना एग्जामिनर एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन दे इस तरह का कि इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंस का हिस्सा है, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस का पॉइंट है, कौन सा इम्पोर्टेंस का पॉइंट है। मैं एक ऑप्शन उन्होंने दे दिया है सपोज पब्लिक रिलेशन, एक ऑप्शन उन्होंने दे दिया है सपोज ह्यूमन रिलेशन, एक ऑप्शन उन्होंने दे दिया है 4 में से, तीसरा दे दिया है कॉम्पिटिशन का। तो 3 ऑप्शंस तो ऑलरेडी उन्होंने इम्पोर्टेंस के दे दिए हैं, और क्योंकि तीनों इम्पोर्टेंस का ही हिस्सा है और क्वेश्चन भी यही है कि इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंस है, तो चौथा ऑप्शन ऑब्वियसली होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। आपको अब इन 4 में से सही ऑप्शन चुनना है कि कौन सा इम्पोर्टेंस का हिस्सा है, क्योंकि तीनों है तो हम लोग ऑप्ट करेंगे फॉर 4th ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सपोज सेम ऑब्जेक्टिव्स है, पहला पॉइंट कॉम्पिटिशन, दूसरा पॉइंट ह्यूमन रिलेशन, तीसरा पॉइंट पब्लिक रिलेशन, और अगर एग्जामिनर ने पूछा कि इन तीनों में से कौन सा फीचर्स का हिस्सा है, तो तीनों में से एक भी फीचर्स में नहीं आता, तो चौथा ऑप्शन पक्की बात होना चाहिए नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव इसलिए क्योंकि तीनों में से कोई भी फीचर का हिस्सा नहीं है। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आ सकता है फीचर्स से रिलेटेड, इनमें से कौन सा फीचर्स का हिस्सा है। सपोज एग्जामिनर ने कहा इनमें से कौन सा फीचर्स का हिस्सा है, ये ना हम लोग यहाँ पर अलग से लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस। दूसरा उन्होंने लिखा है डायनामिक प्रोसेस। तीसरा उन्होंने लिखा है टू वे प्रोसेस। तो अगर अगर एग्जामिनर ने पूछा है कि इनमें से कौन सा फीचर्स का हिस्सा है, तो फिर आखिरी वाला ऑप्शन डेफिनेटली होगा ऑल ऑफ द अबव। इसलिए होगा क्योंकि ये भी फीचर, ये भी फीचर और ये भी फीचर है, तो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए फिर ऑल ऑफ द अबव का। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे, कुछ होंगे या तो हो सकता है रिलेटेड टू फीचर, वरना हो सकता है रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस। सिंपल से ही क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा इसमें ट्रिक नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो सिर्फ आप पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, इम्पोर्टेंस पूछा है या फीचर्स पूछे हैं, एंड फिर ऑप्शंस पे जाना, ऑब्जेक्टिव्स में से जाकर के सही को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस यहां आकर के खत्म हुआ। तो अगला टॉपिक जो आप लोगों के मॉड्यूल में दिया गया है, दैट इज प्रोसेस। प्रोसेस के बारे में अब जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम प्रोसेस ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, ये उसी प्रोसेस का थोड़ा सा इलैबोरेशन है। कल अगर आपको याद हो जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने लिया था, उसमें मैंने बताया था कम्युनिकेशन में 2 पार्टीज होती है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। सेंडर जो मैसेज भेजेगा, रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करके समझेगा और समझने के बाद देता है अपना फीडबैक। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इस डायग्राम में सेंडर भी है, रिसीवर भी है और फीडबैक भी है, बट इस डायग्राम में 2 चीजें नहीं आ रही हैं, एक है एनकोडिंग और एक है डिकोडिंग। क्या होता है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, अब ध्यान से समझो। प्रोसेस में सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर आया, सेंडर ने आकर के सबसे पहले एक मैसेज अपने दिमाग में बनाया, ये मैसेज उसको रिसीवर को कन्वे करना है। रिसीवर तक मैसेज पहुंचाने के लिए सेंडर इस मैसेज को प्रेजेंट करता है कुछ इस तरीके से कि रिसीवर को समझ में आ जाए। मैसेज को प्रेजेंट करना, उसको ड्राफ्ट करना और रिसीवर तक पहुंचाना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग। एनकोडिंग की प्रोसेस से रिसीवर के पास मैसेज पहुंचाया है सेंडर ने, रिसीवर अब इस मैसेज को रिसीव करता है।
रिसीव करने के बाद वो इस मैसेज को डीकोड करेगा। डीकोड करने का मतलब होता है वो इस मैसेज को समझने की कोशिश करेगा। इस मैसेज को समझते समय रिसीवर अपना लेवल ऑफ नॉलेज, अपनी स्किल, अपना एक्सपीरियंस यूज करके वो इस मैसेज को डीकोड करता है, समझता है। समझने के बाद वो देता है अपना फीडबैक सेंडर को। हमने कल भी पढ़ा था फीडबैक दो तरीके के हो सकते हैं, या तो नेगेटिव वरना पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब जैसा सेंडर ने कहा था रिसीवर को वैसा समझ में नहीं आया। पॉजिटिव का मतलब जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही समझ में आया है। सपोज सेंडर ने रिसीवर को कोई काम करने के लिए कहा था, रिसीवर ने काम तो किया लेकिन गलत काम कर दिया, तो ये भी अपने आप में एक फीडबैक है, बट ये फीडबैक हो जाएगा नेगेटिव। सेंडर ने रिसीवर को काम करने के लिए कहा, रिसीवर ने काम किया और एकदम सही काम कर दिया, तो ये भी फीडबैक है और ये हो जाएगा पॉजिटिव फीडबैक। विच मीन्स प्रोसेस वही है, सेंडर रिसीवर फीडबैक, बीच में दो नए टर्म्स आ गए, एनकोडिंग एंड डीकोडिंग। इस बात का खास ध्यान रखना, एनकोडिंग सेंडर करता है और डीकोडिंग रिसीवर करता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, इस प्रोसेस में ये सीक्वेंस कभी नहीं बदल सकता, कभी नहीं बदल सकता। सबसे पहले सेंडर, उसके बाद एनकोडिंग, उसके बाद रिसीवर, उसके बाद डीकोडिंग एंड देन फीडबैक आता है। ये पांच स्टेप्स हैं और ये पांच का सीक्वेंस कभी नहीं बदल सकता। एग्जामिनर आपके साथ ट्रिक कर सकता है, वो आपको एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि ये पांच स्टेप्स है, हमने इसको जंबल कर दिया है, फीडबैक एनकोडिंग रिसीवर सेंडर डीकोडिंग, और आपसे कहा जाएगा कि इसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करो। प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए आप वो बताएं। तो प्रॉपर सीक्वेंस में सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये सब जंबल हो चुका है, हमें इसे प्रॉपर सीक्वेंस में निकालना है। तो सबसे पहले कौन आना चाहिए? तो सबसे पहले आना चाहिए सेंडर। तो हमको लिखना पड़ेगा अपने आंसर के लिए सबसे पहला पॉइंट नंबर फोर। फोर वन पे आएगा, वन पे आएगा मतलब पहली पोजीशन पे आएगा। तो फोर, फोर के बाद में क्या आना चाहिए? थ्री डाल दूं, सेंडर के बाद रिसीवर? नहीं, सेंडर के बाद दूसरी स्टेप आती है एनकोडिंग। तो फोर देन टू, टू के बाद आएगा थ्री रिसीवर, थ्री के बाद आएगा फाइव क्योंकि रिसीवर करता है डीकोडिंग, और फाइव के बाद आएगा वन, वन मतलब फीडबैक। इन्होंने वन को रखा, वन पे रखा है फीडबैक को, जबकि सही सीक्वेंस होना चाहिए फोर टू थ्री फाइव एंड देन वन, मतलब सीक्वेंस ये सही होता अगर हम प्रॉपरली लिखते तो। ये सीक्वेंस जो आपने सेट किया है ना अभी फोर टू थ्री फाइव वन वाला, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। ऑप्शन जब देंगे ना आपको ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोर टू थ्री फाइव वन का, तो आपको सिर्फ इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके मार्क करना है, वही ऑप्शन को आपको अपने आंसर में डालना है। फोर टू थ्री फाइव वन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो हमारे लिए आंसर कौन सा होगा? सही आंसर है ए वाला। इस तरह के जंबल क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये हो चुका है आपका प्रोसेस वाला हिस्सा। प्रोसेस के हिस्से में एक बात और याद रखना कि ये जो पांच स्टेप्स हम लोगों ने पढ़ी है ना, ये तो पांच है ही, इसके अलावा एक और फैक्टर है जो एब्स्ट्रैक्ट फैक्टर होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, ये इस पूरे के पूरे डायग्राम का हिस्सा नहीं है, बट ये वाला फैक्टर कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में पाया जा सकता है, और उस फैक्टर को हम लोग बुलाते हैं नॉइज। नॉइज का कंसेप्ट ये है कि सेंडर ने जो मैसेज रिसीवर को भेजा है, रिसीवर को ये मैसेज सही तरीके से नहीं मिलना, या रिसीवर को मैसेज सही मिला बट वो समझ नहीं पा रहा है, ऐसे फैक्टर्स जो इस मैसेज को सही तरीके से रिसीवर तक नहीं पहुंचने देते या रिसीवर को समझने नहीं देते हैं, इस तरह की रुकावट वाले फैक्टर्स को हम लोग बुलाते हैं नॉइज।
नॉइस का मतलब होता है ऐसे बैरियर्स जिनकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पा रहा। सेंडर ने बोला, बिल्कुल सही तरीके से एनकोड किया है, आराम से रिसीवर को समझ में आ जाती बात, लेकिन ये सेंडर रिसीवर फोन पे बात कर रहे थे। सेंडर ने अपनी बात बिल्कुल सही तरीके से प्रेजेंट की, लेकिन क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी तो रिसीवर को बात सुनाई नहीं दी, कुछ सुनाई दी कुछ सुनाई नहीं दी, आवाज क्रैक हो रही है, आवाज पहुंच नहीं रही है। तो ये सारे फैक्टर्स, ये बन जाएंगे फैक्टर्स ऑफ नॉइज। नॉइज फैक्टर्स का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो किसी भी हालत में इस कम्युनिकेशन को पूरा नहीं होने दे रहे। मैंने कहा है कि ये फैक्टर्स एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट है इसका मतलब ये इस पूरी प्रोसेस में कहीं पर भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि फीडबैक में ही आए, जरूरी नहीं है कि डिकोडिंग में आए, ये कहीं पर भी, एनकोडिंग पे भी आ सकता है। मतलब ये इस पूरी प्रोसेस में कहीं पर भी पाया जा सकता है, क्योंकि ये हर जगह हो सकता है, तो हमने इसको स्टेप्स का हिस्सा नहीं लिया है, ये एब्स्ट्रैक्ट फैक्टर है। ठीक है, तो हमारी प्रोसेस में अब कितनी चीजें हो गई, सेंडर, एनकोडिंग, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक एंड एब्स्ट्रैक्ट फैक्टर है नॉइज। यहां पर आकर के ये प्रोसेस हो रहा है खत्म। अभी तक हमने जितना पढ़ा है, अब उसमें आप बहुत ध्यान से समझे आपको करना क्या है। इम्पोर्टेंस के ये सात पॉइंट्स अलग है, फीचर्स के कुछ पॉइंट्स जो हमने कल पढ़े थे वो टोटली अलग है। आपको अब बहुत ध्यान से इन सारे पॉइंट्स को ना बाइफरकेट करके रखना है। इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स फीचर्स में नहीं चले जाएं, फीचर्स के पॉइंट्स इम्पोर्टेंस में नहीं आने पाए, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है और दोनों पर एग्जामिनर अलग अलग क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा फीचर्स क्या होते हैं और इम्पोर्टेंस क्या। प्रोसेस वाले हिस्से में आपको याद करना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या है। यहां पर सीक्वेंस इम्पोर्टेंट है, बाकी चीजों में इसमें और कुछ है नहीं, सिर्फ सीक्वेंस इम्पोर्टेंट रहेगा। सीक्वेंस में कहीं कोई गड़बड़ ना हो इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहां आकर के इम्पोर्टेंस, फीचर्स, प्रोसेस, तीनों चीजें हो रही है यहां पर खत्म। जो आप लोगों के मॉड्यूल में है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, तो इन्होंने बताया है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी कही हुई बातें लोगों को समझ में आए और सही समझ में आए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहते हो ना, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा ही। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम बोले और सामने वाला समझ जाए, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना इतना आसान नहीं होता। अगर आप चाहते हो कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहे तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन प्रिंसिपल्स को हम लोग ब्रॉडली एक शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं, इसे कहा जाता है 7 C's। 7 इसलिए क्योंकि ये 7 नंबर्स में है, और C's इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स, ध्यान से देखो, स्टार्ट होते हैं विद अल्फाबेट सी। सारे के सारे सी से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है 7 C's। आप लोगों के लिए शॉर्टकट ही हो गया एक तरह से, ये भी याद हो जाएगा कि 7 नंबर में है, और ये भी पता है कि सातों के सातों स्टार्ट हो रहे हैं विद वर्ड सी। पहला प्रिंसिपल क्या है, तो इन्होंने कहा है सबसे पहली चीज जो कम्युनिकेशन में जरूरी है, दैट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है जो भी बात आप करना चाहते हो क्लियर बात करो। क्लियर का मतलब या तो आपके थॉट्स पॉजिटिव है या तो आपके थॉट्स नेगेटिव है। अगर आप किसी बात के लिए हाँ कहते हो तो सिर्फ हाँ में जवाब दो, अगर आप किसी बात के लिए ना कहना चाहते हो तो सिर्फ ना में जवाब दो, कुछ हिस्सा हाँ और कुछ हिस्सा ना। तो सुनने वाले को ना क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आप बोलना क्या चाहते हो, विच मीन्स आपके थॉट्स, आपके आइडियाज एकदम क्लियर होना चाहिए। ये दोनों एक साथ नहीं चलते हैं, या तो ये होगा पॉजिटिव या तो ये होगा नेगेटिव। आपको अपने आइडियाज और अपने थॉट्स को रखना पड़ेगा एकदम क्लियर। पहला प्रिंसिपल क्लैरिटी, जो भी बोलो क्लियरली बोलो।
दूसरा प्रिंसिपल है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का सिंपल मीनिंग है कि जो भी मैसेज आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं ना, आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब आधा अधूरा मैसेज किसी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आता। चलो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक मैनेजर ने अपने असिस्टेंट को बुलाया। असिस्टेंट को बुला करके उसको एक चेक दिया जाता है, चेक साइन किया हुआ चेक। और मैनेजर ने कहा है ये चेक उसको ले जा करके देना और उसको बोलना कि उसको दे दे। ये बात सुनने के बाद अगर असिस्टेंट को कुछ समझ में आ जाए तो वो चमत्कार है, क्योंकि मैनेजर ने यहाँ मैसेज को बोला तो है बट मैसेज को कम्प्लीट ही नहीं किया। किसको बोलना, किसको दे दे, किसे देना है, आपने वो फिल इन द ब्लैंक में नाउन तो एक भी नहीं भरा, तो दैट मीन्स कि मैसेज इनकम्प्लीट मैसेज है। ऐसा मैसेज सुनने के बाद असिस्टेंट ऑब्वियसली अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। विच मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो तो आपको मैसेज कम्प्लीट करके देना पड़ेगा, वरना कोई भी व्यक्ति काम पूरा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है, फिर उन्होंने कहा है कंसाइजनेस। जब हम किसी को कोई मैसेज कन्वे करते हैं ना, तो मैसेज कंसाइज, प्रिसाइज, कम शब्दों में सारी बातें समझा दो बहुत जरूरी है। अगर आप अपना मैसेज लंबा चौड़ा भाषण जैसा बना दोगे तो जब तक आप पॉइंट पर आओगे तब तक तो ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन हट चुका होगा ऑडियंस का। तो बहुत जरूरी है कि आपका पूरा कम्युनिकेशन होना चाहिए कंसाइज। अगेन मोदी जी का एग्जांपल अगर आप लोग ले लो, तो इतनी बार जब वो टीवी पर आए अपना मैसेज देने के लिए, अगर आपने ध्यान से देखा हो उनका मैसेज कभी भी 10-15 मिनट से ज्यादा का नहीं जाता है, 15-20 मिनट उससे ज्यादा का नहीं जाता है। वो उतने से टाइम में सारी बातें बोलकर चले जाते हैं, लोगों से साथ वचन भी ले लेते हैं। मतलब अगर आप कम समय में अपनी बातें कम्प्लीटली बोल सकते हैं, कम शब्दों में बोल सकते हो, तो लोगों को ना कम सुनी हुई बातें, शॉर्ट में सुनी हुई बातें दिमाग में रह जाती हैं। लंबा चौड़ा भाषण दोगे तो लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स आपका मैसेज कंपल्सरीली होना चाहिए कंसाइज। कंसाइज करने के चक्कर में कम्प्लीटनेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मैसेज को छोटा करने के चक्कर में सारी बातें नहीं बताई, ऐसा नहीं करना है। मैसेज पूरा भी होना चाहिए और कम शब्दों में भी पूरी बातें करो। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है मैसेज में आपको उतनी बातें तो बोलना ही पड़ेंगी जितना सामने वाले को करने के लिए जरूरी है। मैसेज आप चाहते हो ना कि सामने वाला आपकी कही हुई बात पर एक्ट करे, तो उसे कैसे एक्ट करना है, कब एक्ट करना है, कितना एक्ट करना है, कॉन्क्रीटली आपको वो सारी बातें बतानी पड़ेंगी। आपने अगर उसको आधा काम बताया है तो वो काम भी फिर आधा ही करके देगा। तरीका आपने नहीं बताया तो वो अपना तरीका अडॉप्ट करेगा, और उसका तरीका सही भी हो सकता है और गलत भी। कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन जितनी जरूरत है उतनी तो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कर्टसी। कर्टसी में इन लोगों का मानना है कि अगर आप किसी व्यक्ति से काम करवाना चाहते हो तो आपका एटीट्यूड उस व्यक्ति की तरफ रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। अगर आपने उस व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से सही मैनर्स में रिस्पेक्टफुली अगर कन्वे नहीं किया तो हो सकता है वो व्यक्ति आपका काम करना पसंद ना करे। कर्टसी रखो सामने वाले के प्रति, भले ही वो आपका जूनियर है, बट आप उसको अगर बदतमीजी से बोलोगे तो वो आपसे बिल्कुल भी राजी नहीं होगा और वो आपका काम सुनकर भी अनसुना कर देगा, शायद वो काम करना भी पसंद ना करे। नेक्स्ट पॉइंट है करेक्टनेस। तो करेक्टनेस का ना कम्प्लीटनेस से लेना देना नहीं, कम्प्लीट मतलब पूरी बात बताओ, और करेक्ट का मतलब है सही बात बोलो, गलत काम करने के लिए मत बोलो। विच मीन्स कि अगर आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति आपका काम करे तो आप जो भी मैसेज उसे कन्वे करना चाहते हैं ना, वो मैसेज करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। गलत मैसेज दोगे, गलत काम करने को बोलोगे तो शायद वो व्यक्ति ना भी करे। चाहते हो ना इफेक्टिव रहे कम्युनिकेशन, तो
सच बोलो, सच के सिवाय कुछ मत बोलो। एंड लास्ट पॉइंट इज कंसिडरेशन। अब होता क्या है, हम सीएस हैं, सीएस बनने के बाद हमारा एक लेवल ऑफ नॉलेज बन जाता है। आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रहे हो जो सीएस नहीं है, वो व्यक्ति अभी सिर्फ बीकॉम है या 11th 12th पास करके आया है, जैसे कि आप लोग हैं। अब भी अगर 11th 12th पास करके आए हो तो हम आपसे ये उम्मीद नहीं रख सकते कि आपको मार्केट की बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होगा। अगर मैं यहाँ खड़े होकर के स्टॉक एक्सचेंज के किसी बड़े टर्म के बारे में सिर्फ बोलकर चली जाऊँ, ये अज्यूम कर लूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, तो मेरा ये अजम्पशन टोटली गलत है। ये अज्यूम करके कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अपनी बात कही और मैं चली गई, मैंने समझाया भी नहीं, मेरा ये अजम्पशन मेरे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं होने देगा आपके साथ, क्योंकि मुझे लगा आपको समझ में आ गया है, जबकि आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई है, बिकॉज आपका अभी लेवल ऑफ नॉलेज उतना नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कंसिडरेशन रखना चाहिए टूवर्ड्स रिसीवर। आप ये देखो कि रिसीवर जो व्यक्ति है उसको आपकी बातें समझ में आएंगी भी या नहीं, वो इतना पढ़ा लिखा, इतना नॉलेजेबल है या नहीं। अगर वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है या उसको इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप उसको उसका लेवल कंसिडर करो ना, आप उसको ये बात और थोड़ा डीपली जाकर के समझाओ। समझाओगे नहीं तो उसको आएगा नहीं, और उसको समझ में नहीं आया तो कम्युनिकेशन से इफेक्टिव कहाँ हो पाया। विच मीन्स कि हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि रिसीवर का लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, जितना वो समझ सकता है हमको उतना जाकर उसको समझाने लायक भाषा में बोलना पड़ेगा। एक सीएस जब एक सीएस से बात करता है ना, तो हम लोग आपस में चाहे ना तो टेक्निकल टर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक अजम्पशन, ये सही अजम्पशन होगा कि मैंने बोला उनको समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं बीइंग अ सीएस स्टूडेंट से बात कर रही हूँ और अज्यूम कर लूँ कि आई गया होगा समझ में, तो ये कंसिडरेशन फॉर रिसीवर हो जाएगा गलत। दैट मीन्स हमेशा कम्युनिकेशन करते समय ना ये ध्यान रखो कि रिसीवर को ये बात समझ में आई भी होगी या नहीं। नहीं आई होगी तो समझा दो, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि ये प्रिंसिपल 7 नंबर्स में है और सबके सब सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमने इसको नाम दिया है 7 C's का। एक फटाफट से रिकैप ले लो जल्दी से इसका। पहला पॉइंट है क्लैरिटी, जो बोलो क्लियर बोलो, या तो हाँ या तो ना, दोनों चीजें एक साथ मत चलने दो, कंफ्यूजन होगा। दूसरा कंप्लीटनेस, एग्जांपल दिया था मैंने, असिस्टेंट मैनेजर को बुला करके चेक देते हैं, ये उसको दे देना, उसको बोलना उसको दे दे, ये मैसेज कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तीसरा कंसाइजनेस, मोदी जी का एग्जांपल दिया था मैंने, जो कहते हैं कम शब्दों में आकर के बोल के और चले जाते हैं और लोगों को आसानी से समझ में आता है। बड़े बड़े भाषण दोगे तो लोग बोर होने लग जाएंगे और सुनना पसंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्क्रीटनेस, जितना जरूरी है उतना बताना तो पड़ेगा। कम बोलोगे तो इंसान को या तो काम वो करेगा ही नहीं, और अगर करेगा